जय दुजड़ंदो, सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारी पाई सिक्खा भाग दो की ऐसा लग रहा है शायद अंतिम क्लास हो सकती है, क्योंकि अभ्यास चार चल रहा है, लास्ट है, और फिर आप आराम से ये 24 तीर्थंकर स्तुति है ये कोशिश करके ये भी आज पढ़ लेंगे थोड़ी सी, फिर आपका पाई सिक्खा भाग दो का एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होगा, क्योंकि इसकी अभ्यास पुस्तिका भी बन रही है। ये क्लास करते ही विद इन वीक आपको अभ्यास पुस्तिका आ जाएगी। अभ्यास पुस्तिका जैसे भाग एक में दी थी ना, तो अभी कल बात हुई थी रेवाड़ी में अजीश भैया से, तो उस पर काम चल रहा है, तो वो प्रिंट होके आ जाएगी, तो वो सबको मिल जाएगी। उससे आपको अभ्यास करना है एग्ज़ाम के लिए, मतलब एग्ज़ाम में पेपर में कैसा आएगा। तो फिर उसके बाद रेवाड़ी के भी 200-300 लोग होते हैं यहाँ के, और जहाँ जहाँ और जगह भी शिविर लगेगा ना इस महीने, तो दिसंबर तक 4-5 जगह लग जाएंगी क्लासेस, फिर सबके एक साथ एग्ज़ाम हो जाएंगे जनवरी में। उससे पहले जो भाग एक का आपका जैसे रह गया है और किसी का रह गया है, तो उसका दोबारा से जब एग्ज़ाम होगा तो वो दे सकते हैं। जय जिनेन, जय जिनेन। अभ्यास चार, ओके, मिल गई फाइनली। कहाँ मिली? कहाँ मिली फिर? हाँ, तो कोई गलती से ले गया होगा, बाद में देखे गया, किसी चीज़ के नीचे आ गई होगी, किसी ने कुछ रख दिया होगा। हाँ ये चलो अच्छा है, मिलनी तो थी, वो तो होगी, इतनी मेहनत है आपकी अपने हाथ का लिखा हुआ होता है ना। तम अच्छा, नीचे इन्होंने यहाँ पर भी जो हमने आपको पहले कराए थे ना, उसी हिसाब से अभ्यास चार में दिए हुए हैं। तम का मतलब उसको, ते का मतलब उन सबको, स्त्रीलिंग में भी तम है और नपुंसक लिंग में भी तम है, इसी प्रकार से दिया हुआ है इसमें। अब अभ्यास चार के हम कुछ प्रयोग देखेंगे, और फिर आज तीर्थंकर स्तुति भी करानी है, और उसके बाद आपका अभी बताया हमने कि जनवरी में पेपर होंगे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर इसकी अभ्यास पुस्तिका आएगी पहले, जैसे भाग एक की अभ्यास पुस्तिका प्रिंट होके आ जाएगी, वो बोल रहे थे, या जैसे भी आएगी वो आप अभ्यास करना। और फिर रेवाड़ी में भी भाग दो अभी चल रहा है, और 2-3 जगह इस महीने या दिसंबर, नहीं अब दिसंबर तक 2-3 जगह और शिविर लग जाएंगे ना, जल्दी का खींच दिया। अब पिछली बार भी पहले भागे क्या हुआ, फिर मैं गोवा में भी करा के आया, हाँ रेवाड़ी में यहाँ हो गया, फिर 3-4 जगह हो जाता है ना, तो फिर एक साथ पेपर लेते हैं एक ही दिन वो। अब दिसंबर तक 1-2 जगह और हो जाएगा, जनवरी तक इनके, इनको आपकी जिम्मेदारी है भाग एक की तैयारी कराने की। भाग एक की ये तो यहीं रहती है? हाँ आप आसपास ही तो रोज आती है मंदिर, तो कोई भी इसकी भाग एक का वैसे रिकॉर्डिंग से देख रही है, कोई भी इसकी क्वेरीज होंगी तो इन सब का भाग एक पास हो गया है। यहाँ पे जो 19 लोगों ने पेपर दिए थे भाग एक के कृष्णा नगर से, सबसे होशियार लड़का है 98 वाला अच्छा नितिन है, ये ऋषभ है, या छवि भाभी, या ये भाभी हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी आप पूछ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। वह मुझको नमन करती है। अब यहाँ पे करती है लिख गया तो ये स्त्रीलिंग हो गया वह के लिए, ठीक है। मुझको, अब मुझको लिए क्या क्या वर्ड था, कल हमने देखा था अहम वाले रूप जो बनाए थे, कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो क्या बन गया? ममम भी बन सकता है और अहम भी कई बार हो जाता है, ममम बिंदी लगेगी। और यहाँ पर वह किसके हिसाब से चलेगा? लास्ट वाले के हिसाब से, करती है तो वह के लिए क्या बनेगा? सा, सोनी आएगा, है ना, सा स्त्रीलिंग का है। और ये अब यहाँ पे नमन करती है, ये पूरा एक ही क्रिया है, करना भी क्रिया हो गई, नमन करना पूरी एक क्रिया है।
ठीक है, तो नमन करने के लिए क्या है? अडम, शॉर्ट सेनी में अडम। अब क्या बनेगा? कौन सा काल है? ये वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, कौन सा काल है? वर्तमान काल में। सा के साथ क्या लगेगा? ई, ई या दी। सा ममम रमैया रमदी, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इसको उल्टा करें, मैं उसको नमन करता हूँ, उत्तम पुरुष हो गया, तो मैं क्या हो जाएगा? एक बटा एक अहम। उसको के लिए क्या हो जाएगा? तम, तमम नहीं, ता के ऊपर बिंदी, तम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नमामि, अडममि, याडममि, रमेमि, कुछ भी हो सकता है, नमामि, ठीक है। साधु स्वामी को उपदेश देता है, साधु स्वामी को उपदेश देता है। जय जिनेंद्र। अब यहाँ पे साधु कितने हैं? कितने हैं ये साधु? एक है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है? हिंदी से नहीं देखना, इसका जो प्राकृत का शब्द है, हाँ, तो वो पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है? साहू, देख लो ना लिस्ट में से, अभी जो कल किया था, अभ्यास तीन में आया है, या किस, हाँ तीन में आया ना, सेकंड नंबर पे साहू किस में आया है? पुल्लिंग में आया है। तो पुल्लिंग में एक वचन का रूप कैसे चलता है? अगर अकारांत था तो जिड़ो करा था, उकारांत था तो क्या किया? बड़ा हो कर दिया, है ना। क्यों करा? क्योंकि ये एक वचन है, देता है। यहाँ पे अगर लिखा होता साधु स्वामी को उपदेश देते हैं तो क्या करते? साहुड़ो, बिल्कुल ठीक, है ना। उकारांत में इधर रो कर देते हैं, और तृतीय विभक्ति में क्या करते हैं? उकारांत में साहुड़ा, ठीक है, और प्रथमा बहुवचन में और द्वितीय बहुवचन में रो। तो अब अभी एक वचन है तो क्या बनाएंगे? साहू, बड़े ओ की मात्रा कर देंगे। अब देखो स्वामी कौन सा वो है? पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है? पहले तो स्वामी का प्राकृत का वर्ड क्या है? सामी, इकारांत, ठीक है। अब इकारांत है, और अब ये देखो आप कि ये पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या स्त्रीलिंग है? सामी शब्द की लिस्ट में देखो, इसी वाले में है ना, अभ्यास दो में आया होगा, अभ्यास दो में पुल्लिंग में है। अब ये क्या है? स्वामी को, स्वामी को कर्ता ने, तो कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति होगी। द्वितीय विभक्ति में चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, क्या करते हैं? बिंदी लगा देते हैं, सामिम, बस बिंदी लग गई। उपदेश देता है, उपदेश देने की क्या है? उव दिस, ये वाला सा, और वर्तमान काल है, और ये वाला क्या है? एक वचन है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? हाँ, दी आई, उव दिस आई। एक इम्पॉर्टेंट बात थी, शुरू में भी बताई थी, भाग एक में प्राकृत में जब ये वाली विभक्तियाँ हम ये लगाते हैं, प्रत्यय, क्रिया के साथ जो लगाते हैं उसे बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है, और ये जो लगाई है हमने, या ये जो लगाई है, इसे क्या बोलते हैं? विभक्ति। जो कर्ता ने कर्म को आठ तक चलते हैं, संज्ञा में लगती है विभक्ति, और क्रिया के आगे जो जोड़ते हैं, ई जोड़ा, मी जोड़ा, है जोड़ा, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय,
ठीक है, एक ये शब्द का वो फर्क है। तो क्रिया में क्या लगेगा, आ गया समझ में ना बात जी? क्रिया में जो ये ई वगैरह लगाई ना, ई लगाया या मी लगाया मैं के साथ में, तो उसे क्या बोला, प्रत्यय। और ये जो लगाई है इसे क्या बोलेंगे, संज्ञा के साथ होती है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ में विभक्त। अब इसको थोड़ा सा इसी वाक्य को हम घुमा फिरा के दो तीन तरीके से बना लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कई बार हम हिंदी में भी बोल देते हैं कि को वाला वर्ड शुरू में बोल देते हैं, स्वामी को साधु उपदेश देता है, इसी को हमने अगर चेंज कर दिया, स्वामी को साधु उपदेश देता है, तो क्या बनेगा वाक्य? सेम ही बन जाएगा, बस ये वाला यहां लगा दो, ये वाला यहां लगा दो। क्यों? क्योंकि हमें क्या चीज देखनी है, ये वाक्य इसलिए ऐसे करके बता रहे हैं, ये नहीं देखना है कि जो पहले आया वो प्रथमा लगेगी, उसके साथ क्या लग रहा है, को लग रहा है तो क्या हो गया, मैंने क्या बोला, स्वामी को साधु ऐसे कई बार ट्विस्ट करके वाक्य आ जाता है, या जब आप कथा पढ़ते हो उसमें इस तरह से चीजें आती हैं, तो हमें ध्यान देना है कि कर्ता कौन है, करने वाला कौन है। जब गाथाएं आप देखोगे तो किसी भी कथा में या गाथा में इस तरह से वाक्य नहीं होते सीधे सीधे, ये तो हमारी अब हिंदी में वाक्य हम इस तरह से बनाने लग गए। जब आप संवाद करते हो दो लोग बैठ के या कुछ भी, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल जैसे आप नॉर्मली बातचीत कर रहे हो ना किसी से, तो पूरा पूरा वाक्य नहीं बोलते हम। अब जैसे मैंने ये लाइन बोली, पूरा पूरा वाक्य नहीं बोलते हैं हम, तो इसमें हमने एंड में लगा दिया है ना। तो जब आप फ्लो में, ऐसी ही प्राकृत है, प्राकृत क्या है, बोली है, तो जब बोलचाल की भाषा है तो जरूरी नहीं है कि सारे क्रिया के रूल फॉलो हों। कभी क्रिया शुरू में आ जाएगी है ना, कभी क्रिया एंड में आ जाएगी है ना। बैठकर पढ़ो, अब यहाँ तुम तो आया ही नहीं, तुम बैठकर पढ़ो है ना, खड़ा हूँ मैं, खड़ा हूँ मैं तो आया ही नहीं, तो बहुत सारे वाक्य बोलचाल में हमारे हिडन रहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या देखना है, जब भी आप कथा पढ़ोगे, जैसे अभी जब मैं आया था तो यहाँ किसी ने द्रव्य संग्रह की कुछ गाथाएँ लिखी हुई थी, कल शायद आपकी क्लास लगी होगी है ना। हाँ हाँ, तो जब आप कोई ये पढ़ेंगे ना जब आप, तो और इसमें नीचे हिंदी दे रखी है, तो आपका कोई वाक्य पूरा नहीं है। अब जैसे गुत्ती ओ लिखा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं से भी आप उठाओगे, चारित्तम लिख दिया, तो सीधे सीधे आपको देखना है कि कौन सी विभक्ति लग गई, क्या लग। अभी लेंगे, इसके बाद देख लेंगे अगर टाइम होगा तो इसमें आप जब भी देखोगे तो विभक्तियां सब लग रही हैं, लेकिन वाक्य पूरा नहीं होगा कभी भी। तो ऐसे ही जैसे ये वाला शब्द बनाया तो क्या बन जाएगा, चाहे तो आप ऐसे ही भी लिख सकते हो सीधे सीधे, या घुमा के लिख दो, सामिम साहु उपदेशई, ठीक है। हमें ये देखना है कि ये कर्म पहले आ गया बोलने में और करता ये रही, क्योंकि साधु उपदेश दे रहा है, क्रिया जिसके हिसाब से चले वो करता है। चाहे ये स्वामी हो, या स्वामी की जगह राजा हो या रानी हो या कुछ भी हो, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो नपुंसक लिंग हो, ये इसके हिसाब से चलेगा। उपदेश के लिए जो क्रिया लगेगी वो साधु के हिसाब से लगेगी। अब इसको और थोड़ा चेंज करते हैं, साधु स्वामियों को उपदेश देता है। साधु कौन है, एक है, स्वामी बहुत सारे हैं बैठे हैं लोग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हिंदी, यहीं गलतियाँ होती हैं इसलिए वही वाले वाक्य बना रहा हूँ खाली, साधु स्वामियों को उपदेश देता है। बताओ साधु कितने हैं, तो क्या बन जाएगा, स्वामी कितने हैं, तो क्या बनेगा इसका, इकारांत में द्वितीय विभक्ति बहुवचन,
सामी डो। अब यहां पे बताओ आप लास्ट में इसका क्या बनेगा? उपदेश देता है, उपदेश ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उपदेश एक आदमी दे रहा है, भले ही ये बहुत सारे हैं। गलती क्या होती है? बहुवचन देखा, इसको अंति लगा दिया। उपदेशाई। अब हम इसमें चेंज करेंगे, साधु स्वामियों को उपदेश देते हैं। साधु भी बहुत सारे हैं, स्वामी भी बहुत सारे हैं, उपदेश भी दिया जा रहा, तो क्या बन जाएगा? और यहाँ क्या हो जाएगा? ये कैसे सेम रहेगा? हाँ, ये भी बहुत सारे हो गए। अब क्रिया इसके हिसाब से चलेगी। आप ये एकवचन का लगाओगे, ये बहुवचन का लगाओगे, तो कैसे काम चलेगा? है ना, साधु। तो हमें भले ही साधु वर्ड ही लिखा है, लेकिन लास्ट से देखना है कि बहुवचन है कि क्या है। साधु स्वामियों को उपदेश देते हैं। बताओ, साहुड़ो, सामिणो, हाँ, उपदिशन्ति। एक और बनाते हैं, साधु स्वामियों को उपदेश देता है। जरा जरा से फर्क है, अभी नहीं करा है। अरे रुको, तो डस्टर कहाँ गया? डस्टर क्यों नहीं दिख रहा? हाँ बताओ, साधु स्वामियों को लिखा है क्या ये? अच्छा, ये लिख दिया। ये साधु एक है, हाँ, ये नहीं, मैं दूसरा बोल रहा था। साधु स्वामी को उपदेश, अब बताओ, अब यहाँ पे क्या लग रहा है? स्वामी कितने हैं, साधु कितने हैं? ये बहुत सारे हो गए, ये अकेला ही है। जरा जरा सा फर्क है। ऐसे बहुत सारे वाक्य जब आपके आएंगे अभ्यास में, तब आपको पता चलेगा कि क्या हमें देखना है ध्यान से। तो क्या बनेगा? यहाँ साधु कितने हैं, इससे पता चल रहा है बहुत सारे हैं। साहुड़ो, स्वामी कितने हैं? एक है। सामिम, अब यहाँ पे ये किसके हिसाब से चलेगी? उपदेशंती। है ना, अब एक ही वाक्य से हमने बना लिए, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इन्होंने लिखा, इस समय ये बालिकाएं क्यों नाचती हैं? अच्छा, ये तो अभ्यास दो में आ गया गलती से, चार चल रहा था ना। हाँ, ये तो करा चुका, अभ्यास चार। हाँ, शिशु वस्तुओं को जानता है। शिशु कितना है? इसी कॉन्सेप्ट से चलना है। अब बस एक एक करके कराएंगे, वो भी कर लूँगा, पहले ही पढ़ लेता हूँ, पढ़ लिया तो। शिशु वस्तुओं को जानता है। शिशु कितने हैं? एक। वस्तुएं, तो जानता है मैं किसके हिसाब से लगेगी? शिशु के हिसाब से। शिशु वस्तुओं को जानते हैं, वस्तुएं भी बहुत सारी हो गई, शिशु भी बहुत सारे हो गए, तो क्रिया बहुवचन की लग जाएगी। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो? वे सब उन दोनों बालिकाओं को देखते हैं। वे सब क्या हो गया? बहुवचन हो गया। देखते हैं की वजह से ते लगेगा। उन दोनों बालिकाओं, और उनके लिए क्या लग जाएगा? उन दोनों बालिकाओं को लग गया, उनको द्वितीय विभक्ति लग जाएगी ना। उन दोनों, उन अगर लिखा होता खाली दोनों बालिकाओं को, तो उनके लिए नहीं लगाते। उन वर्ड किससे हो गया? वह से, उसको, उनको, है ना। तो बहुवचन में क्या आ गया? तम के साथ में बहुवचन उनको, ताओ। यहाँ क्या लगेगा? उन के लिए उनको,
उन दोनों में क्या आएगा, अब बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्या बन गया यहाँ पर, ताओ ताओ। अब बालिकाओं के लिए क्या है, बालाओ, देखते हैं, तो देखते हैं के लिए क्या है वर्ड, देख देखने के लिए क्या थी इसमें आई है ना, हाँ पहले भी बस नहीं, देखने की इसमें क्या है आपकी, पुच्छ माने पूछना, देख के लिए की देख भी होती है एक तो क्रिया, देखने की देख भी है, और इसमें इन्होंने क्या लिया, इसमें ली होगी इसमें इन्होंने, हाँ पास पास है ना, पास माने भी देखना है और देख भी होती है, देख ये भी होती है और पास माने, हाँ था पास पास, पास माने देखना। अब क्योंकि वे सब हैं तो क्या हो गया, पासंती, ठीक है। अब सेकंड वाला, वह क्षमा को ग्रहण करती है, कौन सा नहीं, अभ्यास चार में है ना, वह क्षमा को ग्रहण करती है, वह क्षमा को ग्रहण करती है, हाँ स्त्रीलिंग हो गया, वह के लिए क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ये भाग दो दे दी और इंदर, एक इनको एक भाग दो की बुक दे, नहीं इनको दे दो एक और, कोई बात नहीं, वह क्षमा को ग्रहण करती है, तो यहाँ वह के लिए सा हो गई, और क्षमा किसी का नाम भी हो सकता है तब भी स्त्रीलिंग है, और वैसे क्षमा है तब, तो क्षमा के लिए क्या वर्ड है, खम, खम माने क्षमा करना, तो यहाँ पर अगर क्रिया के लिए है क्योंकि क्षमा को ग्रहण करती है, तो यहाँ पर सब ये क्षमा करना नहीं है, यहाँ पे क्या है, करना ही हुआ जी, हाँ क्षमा नाम नहीं है, करना हुआ करती है, क्षमा को ग्रहण कर रही है ना, क्षमा क्रिया नहीं है यहाँ पे, क्षमा एक तरह से उसके सेंस में यूज किया है, संज्ञा के रूप में यूज हुआ है, खम माने क्षमा, हाँ क्षमा को ग्रहण करती है, हाँ खम्म आ जाएगा, खम्म माने क्षमा, तो क्या बन जाएगा इसका, खमम, खम के ऊपर बिंदी लगा देंगे, ग्रहण करने के लिए क्या है क्रिया, ग्रहण करना, ग्रहण करने की क्रिया देख के बताओ भाई, गिर्ण थी ना, गिर्ण कौन से पेज पे है, लास्ट में, हाँ ऊपर से, हाँ गिन, हाँ हाँ गिन है, ग्रहण करना, और कारंत कारण नपुंसकलिंग, खम माने क्षमा करना, क्रियापद खम, इसमें उन्होंने खम लिखा हुआ है, खम भी होती है, खम भी होती है, अब पता नहीं हम दोनों ही होती होंगी, ये वाली ज़्यादा सही है, पहले हमने ये पढ़ी थी खम, और आगे हाँ वो खम कर लो उसको, आधा म भी लगा लो, खम, खम माने क्षमा, खम है, खम बोलने में खम भी आ जाता है, खम माने क्षमा करना, और क्षमा को खमम रहेगी, विद्या कथा कहती है, अब गड़ई में तो गड़ई हो जाएगा, ये भी इजी है, वे सब वृक्ष हम सबको क्षमा करते हैं, बताओ इसमें देख के कौन सा कराना है, बाकी सारे इजी हैं, तीर्थंकर स्तुति करेंगे, हैं हाँ ई ई वह है ना, एक वचन है गिर्ण ई, अन्य पुरुष में तो ये आ रहा है, वह के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ई ई ही नहीं बोला, ई
ई और दी लगाएंगे भाई, ही नहीं है ई और दी, गिरण ई, ई और दी लगाएंगे, वो ही सुना था उसने इसलिए कन्फ्यूजन हो गई। अब देखो कवि दही नहीं खाते हैं, हम सबको भी दही नहीं खाना चाहिए है ना, दही किसी को नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाते नहीं है? हाँ नहीं खाना चाहिए, वो काजू का जो माइग्रेन के दर्द में काजू का ग्रेवी बना के दही खाना चाहिए, जमाओगे कैसे उसको, काजू का पाउडर बना के काजू के उससे। चलो अरे अभी एग्जाम्पल यहाँ दे रहे कि ये कवि क्या लिखा है, अगर लिखा होता जो अभी कराया था कवि, कोई भी वाक्य कवि अगर नहीं खाता है होता तो क्या हो जाता, एकवचन, और कवि लिखने में कवि आ रहा है ना, लेकिन खाते हैं कर दिया तो क्या हो गया, बहुवचन। वही जो अभी उदाहरण लगाए थे उसी हिसाब से आपको इसमें कवि भी बहुवचन का लेना है, हाँ कवि भी, कवि किसका लेंगे इसमें, बहुवचन का, और दही किसका लेंगे, एकवचन का, क्योंकि दही बहुत सारा नहीं है एक ही है, खाते हैं से हमने कवि को बहुवचन लेंगे, कवि लो है ना, शुद्ध करो, वारी अथी, वारी माने हाँ, वारी माने पानी होता है, वारी अथी। अब इसमें क्या गलती है, वारी किसका शब्द है, पुल्लिंग नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग, अरे देख के बताओ ना, ऐसे थोड़ी ना देख के भैया, ऐसे नहीं, नपुंसक का है, नपुंसक लिंग का है, कभी भी कोई भी शब्द बिना विभक्ति के नहीं होता, हाँ इसमें क्या है, नपुंसक में ये कर्ता ने वाला शब्द है ना, प्रथमा विभक्ति, तो क्या हो जाएगी है ना, जिसने ठीक नहीं किया है पेज नंबर 33 पे, जो वारी के रूप हैं वारिम वारिम है, बिंदी लगाने से रह गई है ना, एकवचन में भी बिंदी है, ओ प्रथमा में भी और द्वितीया में भी, वारिम वारिम, तो जल है, प्रथमा में भी है और द्वितीया में भी है, नपुंसक में मित्तम के हिसाब से चलेगा, वारिणो संति, जल हैं, है हाँ। अब इकारांत में क्या है, नपुंसक लिंग में बहुवचन में, हाँ अड़ो किस में था, साहू वाले में, उकारांत में था अड़ो, और इसमें मित्ताणी के हिसाब से चलेगा, मित्ता इम या मित्ताणी, या तो क्या बनेगा, वारी इम या वारी णी, क्या किया था हमने, मित्ता डी या मित्ता इम, तो यहाँ क्या बन सकता है ना, वारी, ये बड़ी हो जाएगी, ये बड़ा हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, वारी डी या वारी इम, ठीक है ये गलती ठीक हो गई आपकी। अब हम आते हैं, क्योंकि ये तीर्थंकर स्तुति करनी है, अब ये बहुत आराम से अब आपको पकड़ना है कौन कौन से वचन हैं क्या हैं, समय कितना हुआ है हमारे पास अभी 20 मिनट आराम से, पाठ 5 आपके सारे अभ्यास हो गए हैं, अभ्यास 4 आपको अब होमवर्क में पूरा करना है, हमारी क्लास दिवाली से पहले का टारगेट था, हैं कल नहीं आए थे ना, सारी रिकॉर्डिंग है इसलिए सारी क्लास की रिकॉर्डिंग है, प्लेलिस्ट आज इस पूरी क्लास होने के बाद में जो आपका ग्रुप है उस पर पूरी प्लेलिस्ट एक साथ भेज देंगे,
जिससे सारी की सारी 13 क्लास जिनकी छूट गई है कोई भी वो जरूर देख लेना। हाँ प्लेलिस्ट से सारी देखना। 24 तीर्थयर थुथी पार्ट 5। 24 को क्या बोलते हैं? 24 बोलने में भी बहुत बार 24 ही बोलते हैं हम। तीर्थंकर ऐसे लिखा हुआ है, इसका अगर शुद्ध लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हिंदी में भी? तीर है ना, तीर्थंकर। ये जो बिंदी है वो बिंदी वास्तव में किसकी है? ये वाले अड़ा की है ना। आप भाग एक में नहीं थे, एक रूल बताया था भाग एक में, क वर्ग के अंत में आता है ये, च वर्ग के अंत में आता है ट, ये ट के अंत में आता है ट ट ड, त के अंत में आता है न, प के अंत में आता है म। तो जब भी क ख ग घ में से कोई भी शब्द होगा तो बिंदी किस में चेंज होगी? इसके हिसाब से ये है उसमें आधा। जब च छ ज ज वाला होगा तो ये होगा, ट वाला होगा तो ये, जैसे डंडा तो ये वाला ड़ा आता है। बोल रहे इन तीनों का उच्चारण कैसे होता है? ना की तरह से, चारों का। लेकिन जब हम ऐसे पढ़ रहे होते हैं तो वो जबरदस्ती हम बना लेते हैं, ये इसको तो आज तक कोई बोलना जानता ही नहीं, इसको ई हाँ करके बोल देते हैं, इसको ढाँ कह के बोल देते हैं, है ना। जबकि जब आप शब्द के साथ में पढ़ेंगे तो वो ना का ही उच्चारण निकलता है, ठीक है ना। चाहे ये लग रहा हो या ये लग रहा हो कभी भी, है ना। जैसे ये चम्मच है ना, चम्मच नहीं ये आता है ना, अंजन कंजन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तो वहाँ पर नहीं बोल रहे हो ना, ई तो बोल नहीं रहे। तो कई लोग जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो इसको इया किया कुछ बोल देते हैं, जबकि वास्तव में वो उच्चारण ना का ही है। चंचल है ना, तो लिखेंगे क्या चंचल में? ये वाला क्यों लिखा? इस च की वजह से नहीं, बाद वाले की वजह से। जो बाद में शब्द आएगा, इसमें बाद में आ रहा था क इस बिंदी के, तो किस में हुआ? ये वाले में, तीर्थंकर। तो इसको प्राकृत में क्या लिखेंगे? तिथ्यर। तीर्थंकर का क्या बनेगा? तिथ्यर। स्तुति, स्तुति का क्या बनेगा? थुदी। ये सारे आपके तीन नए शब्द हो गए। आदि संवंदे जिड़ मजियम, ये 24 तीर्थंकर के नाम आपको प्राकृत में इस बहाने से याद हो जाएंगे। हैं? याद है प्राकृत की? अच्छा, वहाँ पर चलो तो होमवर्क में याद करनी है। अभी खाली विभक्तियाँ बता रहे हैं क्योंकि समय कम है ना। अच्छी बात है, महाराज जी ने याद कराई थी तो आपको ये याद करनी है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि सारे 24 तीर्थंकर के नाम आपको प्राकृत में याद हो जाएंगे। आदि संवंदे जिड़ मजियम संभव मभि डम दड़ सुमयम। आदि सम यानी कि आदिनाथ भगवान का नाम है आदिश, है ना। अब बिंदी क्यों लगाई? आदि सम यानी आदिनाथ भगवान को, हिडन है उसमें को। अभी सुनाएंगे, टाइम नहीं है, इनको 9 बजे जाना होता है। मैं तो कितनी भी देर बैठ लूँ, है ना, उसके बाद सुनेंगे 9 बजे के बाद। आदि सम यानी कि आदिनाथ भगवान को, द्वितीय विभक्ति एक वचन। वंदे है ना, वंदे सबसे लास्ट में लिखा होगा इन्होंने कहीं, इसकी हिंदी कहाँ लिखा है? वही तो मैंने बताया था, जब आप मंत्र बनाएंगे गाथा बनाएंगे तो विभक्तियाँ का कोई रोल नहीं होता, कहीं कहीं आएगा। 80% आप मान लो 80% आएगा, 20% 30% केस में आपके भावों के हिसाब से सब चीज़ चल जाएगी।
इसीलिए जब आप दूसरा वाला हमारी किताब का चार्ट देखोगे तो विभक्तियाँ एक नहीं दे रखी, एक एक में दस दस पंद्रह पंद्रह विभक्तियाँ हैं, कभी कुछ यूज हो गई कभी कुछ यूज हो गई, उस हिसाब से चलता है रूल। जिड़ मजेयम यानी कि जिनेन्द्र, इसमें दो, इसमें संधि है, संधि कैसे करी, जिड़म और अजियम, है ना, जिड़म प्लस अजियम। संस्कृत में हलंत लगा देते हैं, प्राकृत में हलंत का कॉन्सेप्ट नहीं होता, संस्कृत में जिड़ माँ माँ के नीचे हलंत लगा देते, यहाँ पे बिंदी लगती है, तो दोनों की संधि क्या हो गई, तो क्या बना, जिड़, ये क्योंकि अब माँ का उच्चारण आ रहा था, जिड़म अपने आप से माँ आ रहा है जबकि माँ लिखा नहीं है, बिंदी लग रही है खाली, तो क्या बन गया, जिड़ मजियम। जिनेन्द्र को, है ना, यानी कि आदिनाथ जिनेन्द्र को, और अजियम यानी कि जिन्होंने जीत लिया है, वो कौन से, आदिनाथ और दूसरे अजितनाथ। संभवम भिड़म, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, व के ऊपर बिंदी लग गई, संभव अलग हो गया और फिर अ अलग कर दिया, संभवम भिड़ंदड़, है ना, संधियाँ आपको सीखनी है आज इसमें से, संभवम क्या बन गया, अभिड़ंदड़, अभिनंदनम यानी संभव को और अभिनंदन, अभिनंदन से क्या बना, अभिनंदनम। उसके बाद फिर सुमई, सु माने अच्छी, मई माने बुद्धि, तो सुमतिनाथ भगवान का क्या बोलते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, सुमति, सुमतिनाथ भगवान को क्या बोला, सुमई। पउम सुपासम, पउम किसको बोलते हैं, पदम को, पउम माने पदम, ठीक है, पदम प्रभु भगवान भी बोलते हैं, खाली पउम भी लिख देते हैं। सुपासम यानी सुपार्श्वनाथ, चंदम चंद्र प्रभु भगवान, सुविहिम है सुविधिनाथ का दूसरा नाम है, पुष्पदंतनाथ भगवान को, यहाँ पर हम, है ना, पोहप दंत भी बोल देते हैं पुष्पदंत को, है ना, और सुविधि भी बोलते हैं, दोनों नाम आते हैं उनके, तो सुविहि कहाँ से बना, अब यहाँ पे हिम वो मत लगा लेना, तृतीय विभक्ति बहुवचन वाला, ये नाम ही है उनका सुविधि, ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में ही आता है ना, वो नहीं है ये, हाँ सुविधि का धाका हा हो गया। सियल से वासु पूज्यम, सियल से माने शीतल, से हाँ से बन गया श्रेयांशनाथ, वासुपूज्यम वासुपूज्यनाथ, विमल अनंत धम्म पवत्तय, विमलनाथ, विमलम, विमलम लिखा है ना, विमल के ऊपर बिंदी है, फिर अनंतनाथ और फिर धर्मनाथ, पवत्तय है ना, प्रवर्तक, पवत्तय से क्या बना, प्रवर्तक, जो धर्म के प्रवर्तक हैं। धम्मम संतिम तिपयहरम, धर्मनाथ धर्म को, धम्मम संतिम तिपयहरम यानी कि तीन प्रकार के क्या हैं, पद के धारी हैं। संतिम माने शांति, शांतिनाथ भगवान और धर्म के प्रवर्तक हैं, हाँ धर्मनाथ भगवान, दो बार धर्म आया ना, शुरू में तो आ गया धम्म, धर्म के प्रवर्तक हैं, कौन है, धर्मनाथ, जो बाद में धम्मम द्वारा आया, धर्मनाथ भगवान धर्म के प्रवर्तक हैं, और शांतिनाथ भगवान क्या हैं, तीन तिप यहरम यानी तीन पय माने पद, हर माने हरने वाले हैं, धारण करने वाले हैं। उसके बाद आया कुंथुम अरम यानी कुंथुनाथ भगवान, और अरम माने अरेनाथ भगवान, शिव कंतार मणम, शिव माने होता है जो शिवजी भगवान बोलते हैं ना अन्य धर्म में, तो वो शिवजी किनका नाम है वास्तव में, जो शिवालय के वासी हैं, शिवालय किसको बोलते हैं, सिद्धशिला को, सिद्धशिला को ही शिवालय बोलते हैं, तो वहीं से फिर बाद में बन गया कि शिवजी का एक रूप दे दिया गया कि ऐसे ऐसे, है
है ना, एक शिव जी की एक कल्पना कर ली गई और एक फिर बाद में समय आने पर उसमें पिंडी बना दी गई। शुरुआत में क्या था वो जो हमारे कोर्स में थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सिक्के निकले थे, आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी, है ना, उसमें क्या था, एक सिक्का था, उसमें पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति थी, साथ में एक तीन बिंदु लग रहे थे और नीचे बैल बन रहा था, ठीक है, ये आदिनाथ भगवान मान लो आप, ये बैल मान लो और तीन बिंदु लग रहे थे। तो ये हमारे हिसाब से क्या है, आदिनाथ भगवान, उनका चिन्ह बैल और ये रत्नत्रय, वो क्या बना लिया, और बाद में इसको त्रिशूल मान लिया, इसको बैल रहने दिया और इसको शिव जी मान लिया, तो ऐसे करके बैल उनका भी हो गया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके समय के साथ में, उससे पहले इतिहास में, आज के इतिहास में शिव जी की इससे पहले की कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, यहीं से धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई, फिर समय के साथ साथ कब वो शिवलिंग बन गया किसी को नहीं पता, है ना, जबकि सारा स्वरूप नाम जो आया है सहस्त्र नाम में, उन शिव की स्तुति में भी आदिनाथाय वर्ड आया है और हमारे सहस्त्र नाम में भी शिवाय वर्ड आया है, तो जो 1008 नाम होते हैं उनमें ये सारे नाम आते हैं, तो एक तरह से उन्हीं का स्वरूप है, नाम बदल गए बाकी सब सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान सारे वही हैं, इसलिए बोलते हैं सबको मोक्ष जाना है, सबके तरीके अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे वो शिव जी को मानते हैं तो उस समय के साथ हो गया ना, हाँ, अगर देखो भाव भी लगना चाहिए, वो इसीलिए ये हम पढ़ाई कर रहे हैं जिससे हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो, तो रास्ता सही रास्ता मोक्ष पे जाने का वो पता होना चाहिए, है ना, नाम का भी प्रभाव तो पड़ता ही है, नाम वही है, अगर खाली आप ओम नमः शिवाय भी बोलोगे तो आप आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हो, उनका भी 1008 नामों में शिवाय नाम आया है, हाँ वही सब चीज़ें हैं, कोई फर्क नहीं है। तो शिव वर्ड इसलिए आया है, यहाँ पर बहुत जगह आता है, आपको भक्तामर में भी आता है शिव वर्ड, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, शिव वर्ड का मतलब क्या है, शिवालय के वासी जो भी अनंत आत्माएँ सिद्धि शिला पर बैठी है उन सबको सिद्ध आत्माएँ या शिव आत्माएँ बोलते हैं। क्या वर्ड था यहाँ पर, शिव कंतार मणम, जो क्या हैं, शिव मुख रूपी स्त्री से रमण करने वाले हैं, यानी कि शिव मुख किसको बोला, वहीं पर जहाँ पर वो है उसकी एक संज्ञा दी है, शिव कंतार रमणम, यानी कि रमण वहाँ पर उसे क्या बोला, मुक्ति वधु भी बोलते हैं कई जगह, है ना, कि भाई वधु माने स्त्री की एक संज्ञा दे दी है, वो भी एक सुख है ना, शिव सुख, उसके साथ रमण कंतार रमणम मल्लिम कमीय चूर्ण करम, मल्लिम माने मल्लिनाथ भगवान, हाँ कमीय माने कर्मों को चूर्ण करम, यानी चूर चूर कर दिया है, 8 प्रकार के आपके कर्म हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 कर्म तो आपके केवल ज्ञान पे नष्ट होते हैं और 4 कर्म जब मोक्ष जाते हैं तब नष्ट होते हैं, इनको बोलते हैं घातिया, जो आप प्रयास करके खुद से घात करते हो, और इनको बोलते हैं अघातिया, इनको हमें अपने आप नष्ट करने होते हैं। ये हो गए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनीय अंतराय, उसके बाद आयु नाम गोत्र वेदनी, तो ये 4 कर्म आपके आयु पूरी होने पे अपने आप खत्म होते हैं, ये 4 आपको, इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा बताया है, मोहनीय कर्म, मोहनी छूटता है, ठीक है, तो उन्होंने, हाँ तो मोहनीय चीज़ों से मोह, किसी भी चीज़ से मोह है बहुत मुश्किल, इसका 70 कोड़ा कोड़ी मोहनी कर्म का, 70 कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ में करोड़ का मल्टीप्लाई करो और सागर लगाओ, है ना। तो अब इसमें क्या बोला इन्होंने कि ये सारे की सारे कर्मों का चूरन कर दिया है, यानी चूर चूर करके नष्ट कर दिया है मल्लिनाथ भगवान ने। उसके बाद मुड़ी सुवय रमीणा जड़ेसम, मुनि सुव्रतनाथ भगवान, रमीणा यानी कि नैमिनाथ, हाँ अड़मीनाथ, हाँ इसमें अड़ेमीनाथ का है, ठीक है, दो भगवान हैं, एक नमीनाथ और एक नैमिनाथ, तो अड़मीणा जड़ेसम यानी कि जिन भगवानों की। उसके बाद आया कहाँ गया, जदु कुल तिलियम अड़ेमी जड़म,
हाँ हाँ नीचे इसमें आया होगा ना, यदु कुल के लिए लिया, बट नीचे लिखना रह गया। हाँ एक लाइन रह गई है इसमें आंसर में, वही तो मैं देख रहा हूँ, यदुकुल नीचे तो आया नहीं। हाँ लेकिन इसमें अर्थ में नहीं लिखा ना, नीचे रह गया है, पेंसिल से वहीं लिख लो। ये लिखा है नीचे भावार्थ में, भावार्थ में लिखा है, भावार्थ में लिखा है, ऊपर नहीं लिखा शब्द अर्थ में ना। यदु कुल तिलयम रेमी जड़म, अब ये क्या है, यादव कुल के तिलक, यानी कि किशन जी के ये भाई थे, तो कृष्ण जी का जो कुल था वो यादव कुल शुरू हुआ था वहाँ से, तो इसीलिए यादव कुल के तिलक कौन थे, नेमीनाथ भगवान। मालूम है ना आप सबको, किशन जी और ये भाई थे, कैसे थे, किशन जी के पिता थे वसुदेव, नेमीनाथ भगवान के पिता थे समुद्र विजय, ये दोनों सगे भाई थे, तो ये दोनों क्या हो गए, फर्स्ट कजिन आज करके, ठीक है। तो यदु कुल के तिलक रेमी जिड़म यानी नेमीनाथ भगवान है। पास पहुम भयवम वर वीरम वंदे सव्वम तिथ्यरम, पार्श्वनाथ भगवान, पास पहुम क्या हो गया, पार्श्वनाथ प्रभु, पहु से क्या बना, पार्श्व प्रभु, भयवम वर वीरम वंदे, है ना, भयवम यानी भगवान और वर वीरम यानी कि वर माने होता है श्रेष्ठ, वर शब्द जहाँ भी लग जाता है तो वर माने श्रेष्ठ को बोलते हैं। एक वर होता है जिसकी शादी होती है, वरवधु, वो श्रेष्ठ मान लेते हैं इसलिए वरवधु कर देते हैं, श्रेष्ठ इसका प्राकृत में वर्ड होता है। वर वीरम, वीर बोलते हैं महावीर भगवान को, वंदे वंदना करता हूँ, सव्वम तिथ्यरम सभी तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ। माणुस खेते विहरल भूदा, मनुष्य क्षेत्र में, मनुष्य क्षेत्र का क्या मतलब है, खेत माने होता है क्षेत्र, ठीक है, खेत, माणुस खेते, जो हमने शायद एक बार चर्चा करी थी, ढाई द्वीप को क्या बोलते हैं, मनुष्य क्षेत्र, उसमें सबसे बीच में हमारा है जम्मू द्वीप, उसके बाद है लवण समुद्र, उसके बाद है घात की खंड, फिर है कालोदधि समुद्र, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, और फिर है पुष्कर द्वीप का आधा मानुषोत्तर पर्वत, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मनुष्य क्षेत्र, यहाँ पर सारे मनुष्य जा सकते हैं, यहाँ से मोक्ष हो सकता है पूरे क्षेत्र से, ये टोटल मिला के कितना होता है, 45 लाख योजन, एक योजन कितना बड़ा होता है, 6400 किलोमीटर, आजकल के हिसाब से 2000 कोस में 6400 किलोमीटर का होता है, तो ये कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो इस मानुष खेते, इस मनुष्य क्षेत्र में विहरण भूदा यानी विहार करने वाले, हाँ ये पूरा ढाई द्वीप बोलते हैं। ढाई द्वीप क्यों बोला, एक द्वीप ये हो गया जम्मू द्वीप, दूसरा द्वीप ये हो गया घात की खंड, लमड़ समुद्र द्वीप नहीं होता, उसके बाद ये आधा हो गया क्योंकि पुष्कर द्वीप का हमने आधा लिया, 1, 1, 2 और आधा ढाई, 2.5 इंग्लिश में, ठीक है, नाप लेके आएंगे, उसमें भी मनुष्य जा सकता है, क्रॉस करके जाएगा तो जो चारण रिद्धिधारी मुनि होते हैं या जो विद्याधर इत्यादि होते हैं वो समुद्र के ऊपर भी तप कर सकते हैं हवा में बैठ के, तो वहीं से मोक्ष चले जाते हैं। जो सिद्धि शिला है वो ढाई द्वीप के ठीक ऊपर है, बिल्कुल एग्जैक्ट 7 राजू ऊपर जाके, और इतनी ही बड़ी है। हाँ ये लड़की बहुत होशियार है, हरिवंश पुराण में आया है, जब द्रौपदी घात की खंड में उठा के ले गया था तो वहाँ से कृष्ण जी ने यहाँ पर लवण समुद्र को क्रॉस करके नीचे गए थे भरत क्षेत्र में, घात की खंड में उठा के ले गया था द्रौपदी को, दुर्योधन ने ही वहाँ का राजा था, फिर ये कृष्ण जी और ये अर्जुन वगैरह द्रौपदी को लेने गए थे, अर्जुन जी रोते हुए पहुंचे, भाई मेरी बीवी को उठा के ले गए, कोई बात नहीं, हरिवंश पुराण में आया है, ये लड़की अच्छा पढ़ती है, बहुत खुशी की बात है, आप सब लोग पढ़ लो, हाँ हरण करके, विहरण भूदा यानी विहार करने वाले हैं ये सारे, है ना, मनुष्य क्षेत्र में विहार करते हैं।
सी। अब देखो क्यों बोला, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है आगे, सीमंदर जड़ भयवंता। जो अभी जो हमने 24 भगवान की स्तुति करी है, ये 24 भगवान कहाँ पर हैं, कहाँ के भरत क्षेत्र में हैं, ये जो जम्मू द्वीप था बीच वाला, जम्मू द्वीप है बीच वाला खाली, ये कितना है 1 लाख योजन का, इसका 190वां भाग है हमारा भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र में भी 6 भाग हैं, है ना, 2 नदियां हैं। अभी क्लास के बाद बात करेंगे ना, मैं चला जा रहा हूँ, अभी नहीं लेनी, जान शिविर है, बात कर लेंगे फ़ोन पे, ट्रेनर बनना चाहिए, फ़ोन पे बात कर लेंगे, कैमरा चल रहा है, अभी बात कर लेंगे। ये जो है 2 नदियाँ हैं, एक गंगा और एक सिंधु, और ये बीच में विजयार्थ पर्वत होता है, तो 6 भाग हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वाला जो भाग है नीचे वाला छोटा सा, इसको बोलते हैं आर्यखंड। ये है, हाँ, ये 5 भाग हैं मलेच्छखंड, आपका बाद में कभी आएगा तो उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन 5 भागों में क्या है, ये जो 24 भगवान थे ये विहार नहीं करते, मलेच्छखंड में विहार नहीं करते, हमारे वाले में ये नीचे का हिस्सा आ गया भरत क्षेत्र, ठीक है। ये 2 नदियाँ चली गई, 1, 2, ये वाला खाली आर्यखंड है। तो अभी जो हमने स्तुति पढ़ी वो केवल किसकी थी, इन 24 भगवानों की थी, जो अभी लेटेस्ट जहाँ हम रह रहे हैं उस दृष्टि से, अब जिस घर में आप रह रहे हो, जिस भारत देश में पैदा हो गए हो, तो थोड़ा आकर्षण उस देश के प्रति अपने आप हो जाता है ना। अब मर के पता चला अमेरिका में पैदा हो गए, तो उसके बाद उस देश के प्रति आकर्षण हो जाएगा, उसी के लिए नारेबाजी करोगे, हाँ ठीक है। तो बस वैसे जनरली बता रहे हैं, तो अब हमारा क्या है, थोड़ा सा इस देश के प्रति जवाबदेही ज़्यादा रहती है, पाकिस्तान से लड़ाई चलती रहती है, जबकि वह मर के वहाँ पैदा हो गए फिर नहीं, बस ये ख़त्म हो जाएगा आज। तो अब क्यों बता रहे हैं ये चीज़, क्योंकि हमें 2.5 द्वीप में हम कहीं भी पैदा हो सकते हैं अगर मनुष्य बन गए तो दोबारा से, तो सब लोग बराबर हैं। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है हमारा कि किसी से कोई राग द्वेष ना लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ जो वर्ड आया ये इम्पोर्टेंट है, सीमंदर जड़ भयवंता, ये सुन लो बस आप। तो ये सीमंदर, इन्होंने अभी मनुष्य क्षेत्र की स्तुति करी, तो क्या मतलब है, सीमंदर भगवान कहाँ पर हैं, विदेह क्षेत्र में। हम लोग रोज जो पूजा करते हैं, हम 20 तीर्थंकर की जो पूजा करते हैं, वो 20 तीर्थंकर कौन से हैं, 24 तीर्थंकर हैं, तो ये 20 कहाँ से आ गए, रोज पूजा कर रहे हो। ये जो जम्मूद्वीप था, इसमें बीच में यहाँ पर विदेह क्षेत्र होता है, और नीचे हमारा भरत क्षेत्र है। तो ये यहाँ पे सुमेरु पर्वत है, 16 और 16 ऐसे करके 32 विदेह क्षेत्र होते हैं। तो सबसे नज़दीक हमारे यहाँ पर कौन है, सीमंदर भगवान अभी वहाँ पर लाइव हैं, जीवित हैं, वहीं बैठे हैं। जैसे यहाँ क्लास चल रही है, तो यहाँ के समय के हिसाब से 4 भाग डेली उनका समोसरण लगता है, डेली है ना, सुबह दोपहर शाम रात 4 बार समोसरण लगता है लेटेस्ट। हाँ, तो वहीं पर बहुत सारे लोग जाते हैं, अभी भी समोसरण लगता है, इसीलिए हम रोज सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं, कि जो इनको क्या बोलते हैं हम, अरिहंत, क्योंकि ये अभी जीवित हैं, केवल ज्ञान इनको हो चुका है, सिद्ध अभी ये बनेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बोला, सीमंदर जड़ भयवंता। तो मनुष्य क्षेत्र में विहार करने वाले अभी भी विहार कर रहे हैं, रोज विहार करते हैं, रोज उनका समोसरण लगता है, रोज प्रवचन होते हैं। तो ऐसे सीमंदर जिन भगवानों की, है ना, आदि मतलब सीमंदर एक ऐसे 20 भगवान हैं इस पूरे क्षेत्र में जो विहार करते हैं, ठीक है, उनकी क्या कर रहा हूँ मैं, वंदना कर रहा हूँ। दिन तुम सहा हिम बोही सुलाहम रवि शशि सहस पयासंता, दिंतु यानी मुझे दें, क्या दें। अब ये वाला आपके अभी कोर्स में वर्ड नहीं था, तो थोड़ा सा बता देते हैं, दिंतु वर्ड कहाँ से आया, विधि एवं आज्ञा, यहाँ आप लिख लेना पेंसिल से। अभी हमने खाली इस इन्होंने भाग 2 में क्या पढ़ाया आपको, भूत भविष्य वर्तमान और वर्तमान वो हो गया, ये क्या है, देवें, ऑर्डर 2, देवें मुझे दें, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे उसमें अंति लगाया था हमने,
यहाँ क्या होता है अंतु, बस ये फर्क है। अंति लगाया था बहुवचन में वर्तमान काल में, विधेय माज्ञा बहुवचन में क्या हो जाता है अंतु, तो क्या बन गया दिन्तु। देवे विधेय एवं आज्ञा का बन गया ये अंतु। समाहि माने समाधि, समाधि क्या होता है संलेखना, कि मैं मरने से पहले सब कुछ चीज़ें छोड़ छाड़ के जाऊँ, मोह को छोड़ के जाऊँ, है ना। मेरे पास जितना भी रुपया पैसा है, जो भी मेरे परिवार के लोग हैं, उन सब से मोह त्याग करके मैं मरने से पहले जाऊँ, उसको क्या बोलते हैं समाधि मरण। या नहीं दी भी लगा देते हैं, है ना, देने के लिए दिन्तु, दिन दी भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। समाहि माने समाधि लाभ देवे, बो ही सुलाहम यानी बोधि का सुलाहम यानी सुलाभ लिखते हैं ना हम, लाभ शुभ और लाभ, है ना, अच्छा लाभ देवे। रवि यानी कि सूरज, शशि बोलते हैं चंद्रमा को, सहस पया संता, सहस माने होता है हजार, सहस्त्राण क्या हो गया हजार, सहस पया संता यानी कि प्रकाशमान है, हजारों सूर्य चंद्रमाओं से प्रकाशमान है कौन, ये सारे की सारे जो सीमंदर आदि भगवान हैं, इनका प्रकाश कैसे बताया है, जब भगवान का समोसरण लगता है तो उनका इतना तेज प्रकाश होता है कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हो, तो समोसरण में भगवान की आभा, इसीलिए पीछे हम क्या लगाते हैं, जो लगाते हैं ना भामंडल, तो इसी का प्रतीक होता है, उसमें सूर्य सा बना होता है ना, कि हजारों सूर्य का प्रकाश, जैसे आप टीवी वगैरह पिक्चर में देखते हो कि पीछे सूर्य सा दिखा देते हैं, सूर्य चमक रहा है, किसी भी केवल ज्ञान का प्रतीक, तो भामंडल हो। औरा चीज़ अलग है, और जो तीर्थंकर चीज का, तो तीर्थंकर और उसका तो कोई कंपेयर, इतना तेज प्रकाश होता है कि हजारों, जैसे भक्तामर में भी आया हजारों सूर्य की उपमा दी है, ठीक है। तो ये आपको स्तुति याद करनी है, और अब आपकी आज की क्लास और भाग दो आपका लगभग लगभग पूर्ण हो चुका है, अब आपकी क्लास लगेगी, बीच में कोई अभ्यास वगैरह कराना होगा तो आपसे संपर्क कर लेंगे सबके पास, हाँ सब लोग इसका अभ्यास करो, अभी कल से दीपावली की छुट्टी है, फिर देखेंगे उसके बाद मैसेज पता चल जाएगा आपको, हम उसका कोर्स का फॉर्म भेज देंगे, है ना। जय दू जड़ंदो, और अब भाग तीन की क्लास जब भी लगेगी तब बताएंगे, और एग्ज़ाम होगा इसका पहले आपका दिसंबर जन